हेलो फ्रेंड, कैसे सब? मैं फिरोज़ और आप लोग देख रहे हैं मेरा फिरोज़ टी के एन टिप्स चैनल के ऊपर। तो हमें एक यूट्यूबर बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए उनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत तक ना देखने पर हम कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। समझ में नहीं आता है कि हम किसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मेरे नए यूट्यूबर है जो मेरा वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे वीडियो को एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। और उम्मीद करता हूँ जो मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। वो जो राइट साइड में जो रेड कलर का लिखा होता है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कीजिए। उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरा हमेशा कोई ना कोई एक वीडियो फर्स्ट आप लोगों के पास पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे कि हमें एक यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, किन किन मटेरियल हमको ख़रीदना पड़ता है। तो आइए हम शुरू करने के उसी टॉपिक के लिए। पहला तो है एक ट्राइपॉड, जो हमें ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि देखो हमें वीडियो बनाने के टाइम एक ट्राइपॉड की वो बिना ट्राइपॉड पर अगर हम शूट करेंगे तो जो कैमरा है वो इधर उधर उधर इधर जो हिलते रहेगा। इसीलिए हमें एक ट्राइपॉड की ज़रूरी है, क्योंकि ट्राइपॉड से अगर हम चिपका देंगे मोबाइल हो या कैमरा तो वो हिलेगा नहीं, स्टैंड होके रहेगा, हम जैसे भी आराम से अपना एडवाइस दे सकते हैं। ये एक पहला पॉइंट है। उसके बाद हमें अच्छा वाला एक मोबाइल लेना है, एंड्रॉयड वाला। अभी तो मोबाइल का बहुत सस्ता हो गया है, ऐसे भी 5,000 से भी हम मोबाइल ले सकते हैं, और उन्हीं मोबाइल से हम शुरू करते हैं अपना करियर। सोशल मीडिया के आगे हम अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये एक पार्ट टाइम वर्क है। देखो मैं अभी नाइट में शूट कर रहा हूँ, क्योंकि डे में मैं अपना काम करता हूँ, मुझे फुर्सत नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिल रहा है, इसीलिए मैं नाइट पे बहुत दिनों के बाद अभी फिर मैं यूट्यूब पर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जब अगर पसंद हुआ है, अगर किन किन बारे में मेरा वीक भी है, वो वीकनेस के लिए भी मुझे कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस कमेंट पढ़कर मैं आगे अपना मोटिवेशन को चेंज करके आपके सामने आ पाऊँगा। तो चलिए, दूसरा चीज़ ये मोबाइल लेके लेना ज़रूरी है, क्योंकि बिना मोबाइल में हम कैसे शूट करेंगे। ये एक जो स्टेज प्रोग्राम है, हम जैसे भी नाच देंगे नाचेंगे और आदमी देखेंगे, तालियाँ के ऊपर तालियाँ मारेंगे, ये ऐसा नहीं है। हम सोशल मीडिया में अगर काम करना है तो ज़रूर हमें एक मोबाइल लेना पड़ेगा, मोबाइल। और उसके बाद तीन नंबर है, कोई कोई आदमी ये भी है, लाइट सेटअप तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कैमरे के आगे या मोबाइल के आगे हम कुछ कहेंगे तो हमें तो अपना फेस तो लोगों को दिखाना पड़ेगा यार। अगर लोगों हमें नहीं देखेंगे तो हम कैसे आपके सामने पेश आते हैं, उस दूसरों को कैसे मालूम पड़ेगा। तो ये एक तीसरा पॉइंट है कि हमें लाइट का ज़रूरी है, क्योंकि लाइट अगर हमारे सामने अगर फेस में फोकस करेगा तभी ना हम क्या कहते हैं, हमारा अपना फेस हम इन्फेक्शन कैसे देते सामने ऑडियंस के लिए, वो ऑडियंस को पता चलेगा। तो ये एक तीसरा पॉइंट है। कई कई लोग हैं, बहुत सारा लाइट एकदम स्टूडियो बना लेते हैं, और कंप्यूटर लैपटॉप या सब लेते हैं कि DSLR निकोन या कैनन का कैमरा भी ले लेते हैं। वो तो है, पर अभी नहीं, वो करना ज़रूरी है पर अभी नहीं, उसका टाइम है। जब यूट्यूब के साथ हम काम करेंगे, काम करके करते करते हम आगे बढ़ेंगे और यूट्यूब के साथ हमको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, तब जाके हम ऐसा धीरे धीरे करके अपना घर को या अपना हम जहाँ भी शूट करते हैं। देखो मैं ये एक मेरा रूम है, इसमें मैं शूट करता हूँ, तो इसे हम धीरे धीरे करके ग्रोथ करेंगे। जब हम खुद ग्रोथ होंगे तब जाके हमारे चारों तरफ को भी हम ग्रोथ कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है कि हमें मोबाइल का ज़रूरी है, उसके बाद एक ट्राईपोड का ज़रूरी है। उसके बाद जो नंबर 1 पॉइंट है कि अपना दिल में एक कुछ करने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए एक जुनून चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। जुनून चाहिए कुछ करने के लिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए। अगर इच्छा है, मन है, तो ज़रूर आप एक ना एक दिन
आगे बढ़ोगे। जो नए यूट्यूबर हैं मैं उन्हें रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अगर आपके दिल में, आपका दिमाग में, आपका पास अगर कुछ टैलेंट है तो उसे मिस मत कीजिए। खुदा ने भेजा है कि कुछ करके दिखाओ। अगर कुछ अच्छा गुण आपके पास है तो ज़रूर आप वैसे ही बाहर दिखा नहीं पाते हो तो मोबाइल के अंदर भी आप दिखा सकते हो। तो अपना टैलेंट को दिखाओ, ये एक पार्ट टाइम वर्क है, पार्ट टाइम पर वर्क कीजिए। जैसे धीरे धीरे आप बढ़ोगे तो आप इस पार्ट टाइम को परमानेंटली भी कर सकते हो। मैंने भी अभी पार्ट टाइम कर रहा हूँ, जब हम मुझे भी मदद मिलेगी तो मैं भी सोचूंगा कि बाद में हम इस पार्ट टाइम को परमानेंट कैसे परमानेंट पर बदलेंगे वो आगे बताएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक इतना ही कि हमें क्या क्या चाहिए एक